पाकिस्तान के कराची में एक विमान शुक्रवार को लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश हो गया। कराची के रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी के कई मकान विमान की चपेट में आ गए और आग लग गई। कई गाड़ियां और दुकानें भी तबाह हो गई। जमीन पर हर तरफ विमान और इमारतों का मलबा था और हवा में धुएं और धूल का गुबार। विमान में सवार लोगों के अलावा जमीन पर हादसे का शिकार हुए लोग जान बचाने की कोशिश में दिखे। तस्वीरों में देखें क्रैश के बाद घटनास्थल की तस्वीरें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन 320 कराची की मॉडल कॉलोनी में एक गली में जा गिरा। इसकी चपेट में करीब 14-15 घर आए और साथ ही दुकानें और गाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आशंका जताई गई है कि ज़्यादातर यात्रियों का बचना मुश्किल है। विमान के पायलट की कंट्रोल रूम से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, जिसके मुताबिक पायलट सुजाद गुल ने पहले ही इंजन खराब होने की सूचना दी थी और कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि प्लेन के इंजन खराब हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि एयरपोर्ट पर 2 रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके फौरन बाद पायलट ने मेडे की कॉल दी, जो एक डिस्ट्रेस कॉल होती है और रेडियो संपर्क के दौरान जान पर खतरे का संकेत होती है। अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।